हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा फ्रेंड, जैसे हमारे चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा इमीडिएटली आपके पास इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि आपने थंबनेल देखा और देखकर समझ गए ही होंगे आप, जैसा कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, एक पावर एसी के बारे में आपको बता रहा हूं। और काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है फ्रेंड्स के स्टूडेंट है या फिर पुराने हमारे टेक्नीशियन भाई है, पूछते हैं कि कहीं से भी वोल्टेज, अगर कहीं पे उनको वोल्टेज मिसिंग दिखता है तो कहीं से भी वो जंपर लेकर के मार देते हैं, उसके बाद वो सेक्शन काम नहीं करता है। तो इसका रीज़न क्या होता है, क्या रीज़न है फ्रेंड्स के हम कोई भी वोल्टेज कहीं से भी लेकर के जंपर नहीं मारते? क्योंकि फ्रेंड्स, आगे मुझे 1.8 चाहिए तो क्या मैं कहीं से भी 1.8 का जंपर उठा के मैं जंपर लगा सकता हूं? अगर मुझे 2.8 का वोल्टेज चाहिए तो क्या मैं कहीं और से 2.8 का वोल्टेज लेकर के कहीं पे मेरे जो सेक्शन में रिक्वायरमेंट है वहां पे क्या मैं 2.8 वोल्टेज जंपर लगा सकता हूं? तो यही हम देखेंगे इस वीडियो में कि क्या कहीं से भी हम जंपर लेके लगा सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हम जंपर लगा भी देते हैं उसके बाद भी वो सेक्शन काम नहीं करता है, तो रीजन क्या है फ्रेंड्स इसके बारे में? कोई भी आपको ओपन करके ये सारी चीज यूट्यूब पे आपको कोई बताता नहीं है कि आप वोल्टेज तो प्रॉपर दे रहे हैं, 1.8 आपको अगर कहीं पे मिसिंग है तो आप कहीं और से 1.8 दे रहे हैं लेकिन वो सेक्शन काम नहीं कर रहा है, 2.8 अगर मिसिंग है तो आप कहीं और से 2.8 उठाकर दे रहे हैं लेकिन वो सेक्शन काम नहीं कर रहा है, कहीं कहीं पे काम कर जाता है और कहीं पे काम नहीं करता है। तो रीजन क्या होता है फ्रेंड्स, काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है और काम नहीं कर रहा है तो क्यों काम नहीं कर रहा है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। तो यहां पर मैं आपको डायग्राम में बताना चाहूंगा, जैसे ये पावर एसी है U2001। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास एक पावर एसी है U2001। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं जूम करके बताना चाहूंगा, यहाँ पे पूरे ये बड़े से बूस्ट कॉइल है जिसको हम बक कॉइल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर एसी है और इसके अंदर नंबर्स इस तरह से लिखकर है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स IO और Z और ये सारे नंबर इसमें नहीं होते हैं डायग्राम के अंदर। अगर आप कभी आप देखेंगे I हो गया या आपका 2 हो गया या आपका I हो गया या 0 हो गया या Z हो गया या X हो गया, इस तरह के नंबर्स नहीं होते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे A से स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहां पे आप देख सकते हैं ये पावर एसी का यहां पे नोज कट पॉइंट है और यहां पे A B C D E F G H और इसके बाद में J K L M N P R। तो इस तरह से ये इसमें नंबर से, जैसा कि आप देख सकते हैं इतने सारे इसमें बॉल है। तो U2001 जो है हमारा पावर एसी है, इसको हम मेन डायग्राम में जाएंगे और U2001 जैसे हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे आप सर्च कर रहे हैं तो ये जो पावर एसी है MT6358, ये एक पावर एसी है मीडियाटेक का। तो फ्रेंड, यहाँ पे सबसे पहला जो सेक्शन आया इसमें, यहाँ पे आप देख सकते हैं U2001A लिखकर है। तो यहाँ पे फ्रेंड जो A लिखकर यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये PMU बक करके एक सप्लाई बता रहा है। बक के अंदर फ्रेंड्स यही वाले हमारे जो कॉइल जो मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे जो साइड में आप देख सकते हैं ये सारे हमारे कॉइल्स जो कि बक सप्लाई होती है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वोल्टेजेस जनरेट होते हैं इसके अंदर, अगर आप चेक करेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बक सप्लाई होती है हमारी वो 0.8, 0.8, 0.9, 1.2, 2.2, इस तरह से आपको यहाँ पे सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ये जो सप्लाई होती है फ्रेंड्स, इसमें लो वोल्टेज होते हैं और एम्पियर इसमें काफी सारा हाई एम्पियर होता है और 5000 मिली एम्पियर तक इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जो आपका करंट है। तो अब हम जो जाते हैं फ्रेंड्स, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि जंपर जो हम लगाते हैं, क्या लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, उसका रीजन क्या है, आज मैं इस वीडियो में पूरा ओपन करके आपको बताने वाला हूं। शायद ही आपको यूट्यूब पे ऐसा पहला वीडियो आपको मिल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पावर एसी के पास मैं आ गया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं LDO सेक्शन है, ये लो ड्रॉपआउट जिसे कहते हैं। तो मैंने पहले ही आपको बताया था पावर एसी के अंदर काफी सारे LDOs होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 2.8 का वोल्टेज है और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 50 मिली एम्पियर की ये लाइन है और वोल्टेज अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 2.8 का वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं VFE PMU से पावर एसी से ये लाइन निकल के ये आगे की ओर जा रही है। उसके नीचे VCN यानी वाईफाई आईसी के लिए जो सप्लाई जा रही है 2.8 की सप्लाई है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 50 मिली एम्पियर का यहाँ पे
लाइन जा रही है, वोल्टेज तो आपको सेम मिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.8 वोल्टेज है और यहाँ नीचे देखेंगे 2.8 है, यहाँ भी देखेंगे 2.8 है और यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में आपको 50 मिली एम्पीयर ही दोनों में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1.8 की सप्लाई है और यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा सा इस तरह हटा के मैं आपको बताना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स यहां पे देख सकते हैं 1.8 की सप्लाई के साथ यहां पे 200 मिली एम्पियर का यहां पे करंट इस लाइन में चलता है। अगर आप इस लाइन में 200 हमको मिली एम्पियर चाहिए और आप अगर 1.8 की सप्लाई अगर देख के ये 50 मिली एम्पियर की अगर वोल्टेज की सप्लाई अगर दे देते हैं तो ये वाली लाइन हमारी काम नहीं करेगी। जैसा कि ये कैमरे के लिए सप्लाई जा रही है, जैसा आप देख सकते हैं ये ऑक्स सप्लाई है हमारी जो कि हमारी 2.8 की सप्लाई होती है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई आईसी के लिए एक और सप्लाई 3.3 का वोल्टेज जा रहा है जिसके अंदर 800 मिली एम्पियर यहां पे आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा सीटीपी टच के लिए, ऑटो फोकस डीवीडी के लिए जो हमारा कैमरे के लिए जाती है सप्लाई, यहां पे 2.8 वोल्टेज जाता है आपका और ये आप देखेंगे 400 मिली एम्पियर इसमें करंट यहां पे इस लाइन में चलता है। वीआईओ जो कि हमारा डिफॉल्ट वोल्टेज होता है फ्रेंड्स 2.8, ये भी आपको देखने मिल जाएगा टच की सब सेक्शन में, फिंगरप्रिंट के सेक्शन में। तो यहाँ पे 200 मिली एम्पियर का यहाँ पे करंट इस लाइन में चलता है। अगर आप वहाँ पे 50 मिली एम्पियर का कहीं और से 2.8 का जंपर देते हैं तो ये लाइन काम करने वाली है नहीं फ्रेंड्स आपकी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं वीएमसी के लिए यहाँ पे 1.8 का वोल्टेज, जो कि ईएमसी के लिए आप वीसीसी क्यू जो बोलते हैं फ्रेंड्स आप 1.8 से लेके 2.8 तक, और वीसीसी जो वोल्टेज होता है 2.8 से लेके 3.3 तक। तो ये सारी चीज होती है फ्रेंड्स यहां पे। अब सिम के लिए यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे हमारा जो वीसीसी जो होता है फ्रेंड्स हमारा 800 मिली एम्पियर का करंट उस लाइन में चलता है। जो सिम के लिए सप्लाई जाती है आपकी 1.8 की सप्लाई, जो कि 200 मिली एम्पियर का इस लाइन में करंट आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा वाइब्रेटर के लिए अगर आप देखेंगे फ्रेंड 1.2 से लेके 1.2 से यहां पे वोल्टेज आपको देखने मिलेगा, 3 वोल्टेज के आसपास भी देखने मिलेगा, लेकिन उसमें एम्पियर अगर आप देखेंगे तो 200 मिली एम्पियर उसमें चलता है। यूएसबी के सेक्शन के लिए जो वर्क करने के लिए चाहिए आपको तो वहां पे 3 वोल्टेज और 200 मिली एम्पियर उस लाइन में चलता है। तो फ्रेंड्स ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इस तरह का शायद ही आपको कहीं पे देखने का वीडियो मिल गया होगा। ये जो देख रहे थे फ्रेंड्स हम एलडीओ सेक्शन जो अभी हम देख रहे थे, इसके अलावा पावर आईसी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं और भी, जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे पावर की सप्लाई हो गई और यहाँ पे आपका एसडी कार्ड डिटेक्शन की पिन हो गई या वॉच डॉग की सप्लाई हो गई या रीसेट की सप्लाई हो गई या एसपीएमआई आपकी क्लॉक कमांड डाटा वाली लाइन्स हो गई। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो मीडियाटेक में चार्जिंग का जो सेंसिंग सर्किट होता है वो मीडियाटेक के पावर आईसी में ही होता है, जिसमें हमारा करंट सेंस पॉजिटिव करंट सेंस नेगेटिव होता है, सीडीटी वोल्टेज चार्ज डिटेक्शन पॉइंट होता है, चार्ज एलडीओ वाली लाइन होती है। यहां पे आप देख सकते हैं सारी चीज जो कि आपका चार्जिंग का सेक्शन होता है, फ्यूल गेज का सेक्शन, करंट सेंस नेगेटिव करंट सेंस पॉजिटिव जिसे हम बैट आईडी और करंट आईडी जिसे कहते हैं हम। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो इसमें कंट्रोलिंग सेक्शन भी होता है जिसमें आपका I2C लाइन वगैरह होती है, सीरियल क्लॉक सीरियल डाटा, और इसके अलावा इसमें क्लॉक की सप्लाई जो कि यहाँ से जनरेट होती है। जैसा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको ये मीडियाटेक चिपसेट है तो ये 26 मेगाहर्ट्ज़ का इसमें क्लॉक की सप्लाई जनरेट होती है, जो कि यहाँ पे बेसबैंड के लिए क्लॉक सप्लाई है या RFIC के लिए जो आप WTR जिसे कहते हैं या बेसबैंड IC के लिए, यहाँ पे वाईफाई IC के लिए आपको क्लॉक की सप्लाई यहाँ पे मिल जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक और सप्लाई चाहिए रियल टाइम क्लॉक, जो कि 32 किलो हर्ट्ज की सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि टेस्ट पॉइंट है यहाँ पे 32K जो लिख के है। तो ये हमारी RTC रियल टाइम क्लॉक की, ये VRTC लाइन है हमारी, तो ये रियल टाइम क्लॉक के लिए 32 किलो हर्ट्ज का यहाँ पे फ्रिक्वेंसी इसमें आपकी बनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स इसी आईसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ऑडियो का भी सेक्शन रखा गया है, क्योंकि मीडियाटेक का जो पावर आईसी होता है उसी के अंदर ऑडियो सेक्शन भी होता है। तो यहाँ पे इस आईसी के अंदर जो डी वाला सेक्शन है इसका, ये इसका ऑडियो आईसी का सेक्शन है। तो ये एक छोटा सा एक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ मैं कि मीडियाटेक का जो पावर आईसी है इसके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा।
तो फ्रेंड इससे भी और भी अगर आप डीपली लेवल में अगर अच्छे लेवल में सीखना चाहते हैं तो आपको आना है तो हमारे फोन फिक्स हैदराबाद आ सकते हैं। यहाँ पे हम बच्चों को हर चीज़ बताते हैं कि कौन सी सप्लाई को क्या कहते हैं, कितना वोल्टेज और कितना एम्पियर चलता है, एम्पियर को कैसे नापा जाता है। वोल्टेज तो आप नाप लेते हैं, डीएसओ आप देख सकते हैं, किलोहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज की सप्लाई इससे हम मापते हैं कि हमारा क्रिस्टल है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मीडियाटेक में कौन सा क्रिस्टल आता है, क्वालकॉम में कौन सा है, सैमसंग में कौन सा, ये सारी चीज। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये जो चीज मैंने आपको बताई है कि आप 1.8 का जंपर कहीं से बिठा के कहीं पे लगा नहीं सकते, तो रीजन क्या है ये मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझाने की कोशिश किया हूँ कि उस लाइन के अंदर जो एम्पियर चलता है, एम्पियर में डिफरेंस होने के कारण वो लाइन वर्क नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ आप वोल्टेज दे देंगे तो भी काम आपका नहीं बनने वाला, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एम्पियर दे देते हैं और वोल्टेज को कम कर देते हैं तब भी आपका काम होने वाला है नहीं फ्रेंड। यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वोल्टेज और करंट दोनों के हिसाब से ही वो वर्क करता है फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स पावर एसी के अंदर काफी सारे एलडीओ होते हैं, 23-27 एलडीओ होते हैं, तो वो एलडीओ जो होते हैं फ्रेंड्स वो अलग अलग वोल्टेज जनरेट करते हैं और वोल्टेज के साथ साथ फ्रेंड्स उसमें एम्पियर जो होता है वो सबका अलग अलग एम्पियर होता है। किसी में 200 मिली एम्पियर होता है, किसी में 300 मिली एम्पियर होता है, किसी में 500, किसी में 600, किसी में 5000 मिली एम्पियर होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एम्पियर डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट को ये मालूम नहीं होता है कि उसमें क्यों सेक्शन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स आप सिर्फ मल्टीमीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं और आप वोल्टेज देख करके सेम वोल्टेज कहीं और पे जंपर लगा देते हैं, इसके बाद आपका वो सेक्शन काम नहीं करता है। अगर फ्रेंड्स उस लाइन में जितना एम्पियर होना चाहिए, अगर उसके आसपास का अगर आप एम्पियर के साथ उतना वोल्टेज दे रहे हैं तभी आपका सेट काम करेगा। जैसे फ्रेंड्स अगर हम बात करें डीसी मशीन में हम देखते हैं 5 एम्पियर और 4 वोल्ट लगा करके हम हैंडसेट को ऑन करते हैं, अगर एम्पियर कम कर दें तो हमारा जो एंड्रॉयड मोबाइल है वो लोगों पर स्टक हो जाएगा, वो ऑन नहीं होगा। पहले जैसा हम देखते थे कि 15 वोल्ट और 2 एम्पियर की डीसी मशीन आती थी, उसके बाद अभी जो आ रही है फ्रेंड 30 वोल्ट और 5 एम्पियर, और अभी लेटेस्ट जो मैंने एक और एक वीडियो डाला है उसमें अगर आप देखेंगे तो 10 एम्पियर और 30 वोल्ट के साथ वो डीसी मशीन आ रही है। तो फ्रेंड यहाँ पे होता क्या है, जहाँ पे वोल्टेज कम होता है और एम्पियर ज़्यादा होता है तो उसको हम बक सप्लाई बोलते हैं, जिसको हम एस एम्पियर सप्लाई बोलते हैं, जिसे स्विचिंग मोड पावर सप्लाई जिसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा यहाँ पे मेरे पास एक हैंडसेट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मीडियाटेक का एक चिपसेट है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पावर एसी है। तो इस तरह का बग बाजू में बड़े बड़े बूस कॉइल जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जिसको नॉर्मल भाषा में हम बूस कॉइल बोलते हैं, और यहाँ पे जो होती है फ्रेंड्स आपने सुना होगा कोई बग कॉइल बोलते हैं, कोई बूस्ट कॉइल बोलते हैं। फ्रेंड्स जो कॉइल होता है वो कौन से सेक्शन में कौन से सर्किट में लगा है वो उस तरह का वो काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो कॉइल लगाए गए हैं जो बड़े वाले बूस्ट कॉइल होते हैं, तो यहाँ पे ये जो सप्लाई जनरेट करते हैं ये सीपीयू को और सीपीयू के सेक्शंस को, कोर सेक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पे ये बक और कोर की सप्लाई ये बनाते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो सप्लाई हमारी बनती है उसे हम एसएमपीएस सप्लाई बोलते हैं। आपने डायग्राम में देखा होगा S1, S2, S3, S4, S5 इस तरह से लिख के होता है, जो कि हमारी स्विचिंग मोड पावर सप्लाई होती है जिसके अंदर लो वोल्टेज और हाई एम्पियर इसके अंदर होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश किया हूँ, समझाने की कोशिश किया हूँ कि क्यों आप जंपर लगाते हैं तो आपका जंपर काम नहीं करता है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। नेक्स्ट बैच हमारा 27 सितंबर से है, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, डिटेल ले लीजिए, आना है तो अच्छे से आकर सीखिए, काम सीख कर काम करिए फ्रेंड्स, क्योंकि आधी अधूरी नॉलेज से आपका जो काम बनने वाला है वो भी आपका काम बिगड़ जाएगा। अच्छे से सीखिए, अच्छे से काम करिए, आगे बढ़िए और इसी तरह हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।